सलमान खान के साथ लगातार दो सफल फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है बनाने के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर भारत में इस अभिनेता के साथ काम करने जा रहे हैं। जफर ने बताया कि इस फिल्म का निर्देशन करने का प्रस्ताव सलमान की तरफ से ही आया था। भारत साल 2014 में आई दक्षिण कोरियाई फिल्म ऑट्टू में फादर की हिंदी रिमेक है। निर्देशक ने बताया, आप वास्तविक फिल्म की तरह ही रीमेक नहीं बना सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य आपकी कहानी और किरदार को प्रभावित करता है, लेकिन मुझे फिल्म की मूल बातें काफी पसंद आई। ऑट्टू में फादर का निर्देशन यून जे क्यू ने किया था और इसकी कहानी कोरियाई युद्ध के समय एक किशोर द्वारा किए गए वादे के आसपास घूमती है। फिल्म के रीमेक का अधिकार सलमान के बहनोई अतुल अग्निहोत्री ने खरीदा है। ऐसी खबरें हैं कि रीमेक को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय में सेट किया गया है। हालांकि जफर इस फिल्म की कहानी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जफर ने कहा, हम मार्च के बाद काम शुरू करेंगे, मैं एक महीने सोना चाहता हूँ। हम लोग इस फिल्म के शुरुआती चरण में हैं।